जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर की सीरीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल पुलिस के संबंधित जो है वो भाग दो आ रहा है हमारा, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोबेबल आ सकते हैं तो हम उनको लेकर आपके समक्ष जो है वो डेली आ रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से चल रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगा कि आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज लीजिए, डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को, और साथ में आप जो है ज्यादा ज्यादा स्टडी और करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड स्टडी करना शुरू करिए। और जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं आप इनको हमारे साथ जुड़िए व्हाट्सएप पर, चाहे आप टेलीग्राम पर जुड़िए, यूट्यूब पर आप जुड़ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से कहीं ना कहीं से आप जो है वो ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करें। और अगर आप हमारी क्लासेस लगाना चाहते हैं यहाँ पर आकर ऑफलाइन में, तो वो भी लगा सकते हैं। इसकी बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में चंबा रैली हो चुकी है, मंडी की अब चलने शुरू हो गई है। तो मैं सभी युवाओं को कहूंगा कि अब तैयार हो जाओ, उठ जाओ दोस्तों, आज हमें कुछ करके दिखाना है। आर्मी का भी पेपर अभी कुछ डिले हो रहा है, कुछ कारणों से पता नहीं अभी कब इसका एग्जाम होगा, उसकी कोई पक्की तारीख अभी तक नहीं है जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। मैं सभी युवाओं को कहूंगा कि निराश ना हो, तैयारी करते रहें, तैयारी से जुड़े रहें, कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो पाए। तो उस प्रकार से जो है आप तैयारी करते रहें। क्वेश्चंस कैसे लगते हैं वो आप जरूर शेयर करें हमारे साथ। तो आज का पहला सवाल जो है वो ये रहा कि S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास दर 2021 में क्या हुई या क्या होगी। तो 2011 में क्या होगी, उसकी ऑप्शंस हैं 6%, 8%, 10% और 11%। सभी कमेंट करते रहें, साथ साथ में पॉज कर लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पॉज करके साथ साथ में जो है वो आप हमारे वीडियोस के क्वेश्चंस को नोट करते रहें। तो क्या आंसर होगा जल्दी से नोट करें और जल्दी से मुझे बताएं। इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो 11% रहेगी इस साल जो है वो भारत की जो है वो आपकी ग्रोथ रेट है वो 11% रहेगी। तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था और ये हमारे टेस्ट में पूछा जा रहा है, जो भारत सॉरी राज्य सरकार के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से उम्दा मतलब क्वेश्चंस का आंसर देते रहे। ब्लड प्रेशर है खून का दबाव, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो खून का दबाव है, यानी कि किस पर है, धमनी, शिरा, आलिंद या निलय, चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें आप आंसर दें। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारी धमनियों में होता है, यानी कि हमारी धमनियां जो है उनके द्वारा जो है वो ब्लड प्रेशर यानी कि सर्कुलेशन जो है वो घूमता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, धमनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मटर का पौधा क्या है। मटर का पौधा क्या है, यानी कि एक झाड़ी है, शाख है, पेड़ है या ऑर्चिड, यानी कि ऑर्चिड तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ये एक शाख है, मटर का पौधा एक शाख है। कई जो हैं वो इसको झाड़ियों में डालते हैं पर ये एक शाख होता है, ठीक है जी। इसी प्रकार से कई बार जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि प्याज क्या है, तो प्याज एक तना है। इसी प्रकार से शलगम क्या है, वो भी एक तना आएगा। मूली क्या है, वो एक जड़ है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है डिस्कवरियों से जुड़ा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की। तो इसकी ऑप्शंस जो है वो है रदरफोर्ड, रॉटेंजन, आइंस्टाइन एंड वेयर, यानी कि जे एल वेयर। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका है रॉटेंजन, रॉटेंजन ने जो है इसकी खोज की है। तो कैसे आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर जरूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे समय को ना वेस्ट करते हुए। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को मिट्टी में के तेल में रखा जाता है, जस्ता, चांदी, सोडियम या सोना। मिट्टी के तेल में सोने को तो रख नहीं सकते, क्योंकि
क्योंकि लोग तो सोने को पहनते हैं, तो सोडियम चांदी, चांदी भी पहनते हैं, जस्ता रह गया और सोडियम रह गया, तो करेक्ट आंसर जो है वो सोडियम है, क्योंकि सोडियम को जो है हम नहीं रखते हैं, नहीं तो वो हवा से रिएक्ट करता है और वो ज्वलनशील होता है, इसलिए वो उससे रिएक्ट करके भस्म हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि राख बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है वो किस देवी देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है वो है अग्नि को है, मारुत को है, सूर्य को है, सावित्री को है। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो करेक्ट आंसर जो है वो है सावित्री, और ये ऋग्वेद का एक उपमंडल है, तो ये इसका बहुत ही एक अच्छा है, तो उसका उपमंडल है, तो आप याद रखें उसका क्वेश्चन का आंसर कि ये एक उपमंडल है सावित्री, और जो कि ऋग्वेद में आता है, और ये गायत्री जो है वो देवी और देवताओं को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक ने तीसरे बोध संगीत आयोजित की कौन सी? कपिलवस्तु में की थी, पाटलिपुत्र, राजगृह या कुशीनगर? करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बहुत ही अच्छा, आप जवाब भी दे रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन के साथ सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री भाष्य के रचिता कौन है, या रचिता है कबीर, शंकर, रामानुज या नानक, यानी कि गुरु नानक की बात करते हैं? तो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, रामानुज। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट करें, राइट डाउन करें दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में जरूर आ सकते हैं, तो जरूर नोट करें। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने से पहले मैं फिर से बता देता हूं, इसका आंसर जो है वो रामानुज, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिख गुरु जो थे, यानी कि गुरु नानक जी थे, तो जिनकी हत्या औरंगजेब के आदेश से हुई, तो गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो सिख गुरु जो थे, अब कौन से गुरु थे जिनकी हत्या जो है औरंगजेब के आदेश से हुई थी, उसने उनको हत्या मतलब करवा दी थी? तो तीन ऑप्शंस हैं, तो नौवें गुरु थे, मैं आपको एक इसकी हिंट देता हूं, तो आंसर है गुरु तेग बहादुर। तो ये नौवें गुरु थे सिख धर्म के, तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परंगना की जिम्मेदारी मिली, इससे मीर कासिम से, किससे मिली थी? मीर कासिम से, सिराज उद उद्दौला से, या चांद साहिब से, या मीर जाफर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चांद साहिब, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, तो नोट करते रहे भैया सभी। दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद गोरी, बाबर या औरंगजेब? करेक्ट आंसर बताएं। तो दक्षिण भारत को जीतने वाले जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी प्रकार से मैं समय नहीं वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आपका अगला क्वेश्चन ये है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, जेपी नारायण या विनोबा भावे? करेक्ट आंसर दीजिएगा। पॉज करके आप बार बार दे सकते हैं, आप हमने आपको चेक भी कर सकते हैं, मन में सोच लीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी जी ने जो है वो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1915 में, जो है अहमदाबाद के कोचरब स्थान पर ये की गई है स्थापना, और 1917 में जो है इन्होंने आश्रम बनाया था साबरमती नदी के किनारे, जिस वजह से जो है इसका नाम जो है साबरमती आश्रम भी रखा गया है। सत्याग्रह आश्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर कई प्रकार के जो सत्याग्रह वो करवाए गए थे।
या उनकी योजनाएं बनाई गई थी। आज का अंतिम सवाल लेकर आया हूं, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर शेयर करना ब्रदर, और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कोई कमी आती है तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियोस में और क्या तब्दीली या और क्या चेंजिंग ला सकते हैं। तो अगला और लास्ट प्रश्न रहेगा आज का, राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी आती है किसके अंतर्गत, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दें, अपना आंसर जरूर दें, करेक्ट आंसर दें। तो मैं बता देता हूं, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है, यानी कि हमारी केंद्र सरकार जो है, पर जो है इस पर जीएसटी लगाती है, जो कि 28% लगाती है, 28% जीएसटी जो है वो लॉटरी पर लगती है। तो इस प्रकार से जो है आज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया था, कैसे लगे आपको जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए विजयपथ एजुकेशन। ऐसी ही वीडियोस को लाने के लिए मुझे आपसे जो है मनोबल मिलता है, तो मुझे आप बताएं कि कहाँ पे कमी रह जाती है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है, अगर लाइक करेंगे तो जरूर करें और शेयर करेंगे तो जरूर शेयर भी करिए, और मुझे ये जरूर बताएं कि आपको कहाँ पर कमी रह जाती है। तब तक के लिए नमस्कार।